Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपके जिंदगी में नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है. सो वट इज गोइंग टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज. ओके, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो है @sudakshna1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. 10 डेज का रीडिंग इसलिए महत्व होते हैं क्योंकि 10 इंडिकेट्स अ सक्सेसफुल बिगिनिंग एज वेल एज एन एंडिंग ऑफ सम चैप्टर्स इन योर लाइफ. तो देख लेते हैं ये 10 डेज आपकी जिंदगी में किस तरह से रंग लाते हैं. ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द कार्ड कॉल्ड एम्परर. नेक्स्ट वी डू हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माई गॉड, द विल ऑफ फॉर्चून. देखो 10-10, मैंने आपको कहा था कि ये 10 जो रीडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा महत्व होते हैं. दैट्स वाई आई हैड डन इट गाइस. इससे भी पहले मैंने किया है. एस ऑफ कप्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एट ऑफ कप्स एंड जस्टिस. जस्टिस रीलोडेड. ओके, सो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, कुंभ मिथुन तुला राशि. एयर साइंस काफ़ी ज़्यादा है. लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है लिब्रा. ओके, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आए कोई बात नहीं, हम दूसरा भी देखने वाले हैं. अच्छा, बेसिकली जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नक्षत्र भी मैं बता देती हूँ. इट कैन बी ऑफ द नक्षत्र लाइक कृतिका. ओके, यू कैन बी द नक्षत्र कॉल्ड भरणी हो सकता है, धनिष्ठा हो सकता है, पुष्य हो सकता है, श्लेषा हो सकता है, पुनर्वशु हो सकता है. ओके, एज वेल एज यस, इट कैन बी ऑफ द, यू कैन बी ऑफ द नक्षत्र कॉल्ड मघा. ओके, दिस थिंग्स. Now, basically coming to the numbers, 4, 5, 10, 5, 5 is very important, 10, 10 is also very important, ठीक है? तो चलो, शुरुआत कर ही लेते हैं. अगले 10 दिन में जो मुझे यहाँ पे फर्स्ट नज़र में आ रहा है वो है कि आपको कोई ऐसी पोजीशन मिल सकता है या आपके लिए कुछ ऐसी ऑर्डर्स या कमांड्स आपको फॉलो करना पड़ सकता है अपने बॉस से या अपने सीनियर से. लाइक दैट कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द डिपार्टमेंट. ठीक है, आपको उस डिपार्टमेंट का पूरी तरह से हैंडओवर दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि लिसन, यू हैव टू हैंडल ऑल दिस. आपको पूरी तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल करना पड़ेगा. शायद आपके बॉस प्रेजेंट है या नहीं है उस कंपनी में, शायद कुछ दिन वो नहीं रहेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और डिस्कशंस कहीं ना कहीं पे आप ही को करना है. सो कुछ कमांड्स या हायर अथॉरिटीज से कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं. कुछ गवर्नमेंट से आपके रिलेटेड यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कुछ गवर्नमेंट से भी आपके लिए हो सकता है कि कुछ आपको बोला जाए कि आप लिंक करवा ले या आप सबमिट करें अपना डॉक्यूमेंट्स को. ठीक है, या आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बार बार वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं. ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट. कुछ इस तरह से भी हो सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है, इट इज़ लाइक दैट कि ट्रीटमेंट के लिए आपको हो सकता है कि आपको खर्चा करना पड़े. ठीक है, मे बी यू डू इट, राइट, यू विल डू इट, ऑफ कोर्स आप करते ही हो. शायद आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. हो सकता है कि घर में कोई ऑलरेडी बीमार है लेकिन डॉक्टर ने बता दिया है कि सर्जरी करने से हो सकता है कि वो और भी अच्छा से रहे, की और हो जाए. तो हो सकता है कि सर्जरी रिलेटेड ओपिनियन आप किसी से ले रहे हो. ठीक है, और पैसे के मामले में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है. अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्लीज़ 10 बार किसी से एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा. आई डू फाइंड कि विद इन 10 डेज, अभी देखो ये टाइमलेस है, कभी भी ये वैलिड है. हो सकता है कि आप देख रहे हो जिस दिन से, उस दिन से लेके 10 दिन तक ये वैलिड होगा ही होगा.
सो आई डू फाइंड कि एक नई शुरुआत तो हो ही रहा है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड थे, ऑलरेडी आप सिंगल हो, मे बी आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, वट एवर इट इज, यू आर गोइंग टू ऑफ कोर्स देयर विल बी अ न्यू स्टार्ट, फ्रेश चैप्टर इन योर लाइफ। जिस तरह से होता है ना कि पुराने बासी फल सब्जी पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, लेकिन हम अगर उसको फ्रीज में डाल देते हैं, इट्स अ न्यू ओके थिंग विच बिकम्स राइट। सो ऑफ कोर्स अ न्यू चैप्टर इज गोइंग टू स्टार्ट इन योर लाइफ, और वो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और उस फ्रेश चैप्टर को आप इन्जॉय भी करोगे। जिस तरह से हम फ्रेश जूसेस को इन्जॉय करते हैं, फ्रेशली मेड जूस और एक कैन वाला जूस, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, काफ़ी ज़्यादा। एक कैन में जो जूस बहुत पुराना है, ठीक है, कि मतलब हो सकता है कि 2-3 हफ्ता हो गया या महीना पुराना है, कभी भी उसमें आप नहीं देखोगे कि ओरिजिनल फ्लेवर है। ओरिजिनल फ्लेवर तभी मिलता है अगर आप कोई भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को मिक्सर या कोई भी जूस प्रोसेसर से उसको आप करो प्रोसेसिंग, एंड देन यू हैव द जूस। एक फ्रेश जूस और एक कैंड जूस, आप समझते ही हो, उसमें काफ़ी फर्क होगा। सो कहीं ना कहीं भी वही फ्रेश चैप्टर, वही बासी लाइफ आप नहीं जीना पड़ेगा, ठीक है, वो उसको हटा दोगे आप एंड कर दोगे खुद ही, क्योंकि आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा, हकीकत पता चल जाएगा, और आप स्टेप भी लोगे कि नहीं, एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा घटना रिपीट ना हो। सो आप बहुत सारे चैप्टर्स को पीछे छोड़ ही रहे हैं, दैट इज़ फॉर गारंटेड। एंड आपके साथ अगर आपको लगता है कि इंसाफ नहीं हुआ है, ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ है और उसका कोई जगह पे, ठीक है, कोई मतलब कोई उसको पनिशमेंट देने वाला तो है नहीं, बट कर्म जो है, ठीक है, जो यूनिवर्स का लॉ है, उसमें कोई बचता नहीं है, ठीक है, उसके कर्म का सजा उसको मिलेगा। जिससे भी आपका, ठीक है, प्रॉब्लम्स थे, जिसने भी आपके साथ बुरा बर्ताव किया है, वॉट एवर दे हैड डन, नोइंगली अननोइंगली, जानबूझ के, बिना जानबूझ के, वट एवर, क्योंकि बैलेंस यहाँ पे होना ही है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ है कि आपको हो सकता है किसी के साथ आप उलझ गए थे, डिस्प्यूट हुआ था, कुछ कहा सुनी हो गई, तो उसने ऐसा याद रखा, तो वो रिवेंज लेने की भी कोशिश कर सकता है। आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आप पूरी तरह से ना ख़त्म कर दोगे। जब ख़त्म हो जाता है ना, तब किसी को और पड़ा हुआ नहीं रहता, क्योंकि आपने ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया, क्लोज कर दिया चैप्टर, एंड यू वांट टू फिनिश इट। तो आप वही एनर्जी में तो लौटते नहीं हैं, आप तो फ्रेश एनर्जी की तरफ जाते ही हो, सो नो वन कैन ड्रैग यू फॉर दैट, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो सुलझने की जगह पे आप उलझा मत दीजिएगा, ठीक है, आप हीटेड आर्गूमेंट्स में मत इन्वॉल्व हो जाइएगा। लोग चाहेंगे, लोग प्रोवोक करेंगे कि आप हीटेड आर्गूमेंट्स में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। शांति मिलेगी, कोई ऐसी जगह पे जाने का चांसेस है। हो सकता है कि आप बेबी मून में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं पे बेबी मून जैसे होता है ना कि सपोज यू आर फीमेल राइट, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। हो सकता है कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर आपको लेके जा रहे हैं, या अगर आप मेल है तो आप अपने पार्टनर को लेके जा रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं। या हो सकता है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हनीमून यू आर गोइंग टू गिव अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक है, टू योर फैमिली कि वंश आगे बढ़ रहा है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एज सिंपल एज दैट। आई डू फाइंड कि कुछ लोग की ऐसे हो सकती है कि दे आर हैविंग वेरी इविल मेंटेलिटीज, लेकिन शायद आप उनके ट्रू नेचर मतलब असलियत से आप वाकिफ नहीं हैं। शायद अच्छे अच्छे बात करते हैं, वेरी गुड स्टेटमेंट्स दे गिव टू यू, चाहे आप ऑनलाइन में जॉब करें या ऑफलाइन जॉब करें, कहीं पर भी हो, बट यू शुड टेक केयर ऑफ दैट। और मेरा काम है आपको सतर्क करना, ठीक है, आपको हमेशा अलर्ट करना, वरना कुछ हुआ तो आप एटलीस्ट अपने आप को आप प्रोटेक्शन आप दे पाओगे, ठीक है। सो किसी की मतलब कड़वा बातें आपको हर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि हीटेड आर्गूमेंट में किसी के साथ उलझ मत जाइएगा, ठीक है। सो हाँ, आपका स्टेटमेंट आप हमेशा रखिएगा, बट थोड़ा सा कूल एंड काम वे में, क्योंकि आप जितना हीटेड आर्गूमेंट्स में जाएंगे, वो भी कोशिश करेंगे कि आपका इमेज लोगों के सामने स्पॉइल हो, बिकॉज वैसा ही चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट योर नेम, फेम एंड रेपुटेशन। तो अगर आप अपना स्टेटमेंट्स रखना चाहते हैं, यू वांट टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, दैट्स गुड,
आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, दैट्स अ बेस्ट थिंग इन योर लाइफ. बट वंस यू गेट इनटू आर्गुमेंट्स, तो यह भी आपको याद करना है कि आप जितना सत्य को सामने लेके आने की कोशिश करोगे, कुछ दुष्ट लोग, पापी लोग, ठीक है, उसको उतना ही असत्य प्रमाण करने की कोशिश करेंगे, और ये सत्य असत्य के गेम में आप ही स्टक होंगे. सो इट्स बेटर टू लीव दोज पीपल. ठीक है, ओके. और देखते हैं यहाँ से, थोड़ा सा खर्चा आप कम करें तो बेटर रहेगा. ठीक है, इस नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा सा सेव करने की कोशिश करें. ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर्स के साथ अगले 10 दिन में क्या हो सकता है, नेक्स्ट 10 डेज में क्या हो सकता है. आपके फेवरेट कलर ब्लू, ब्राउन, रेडिश, येलो, ग्रीन हो सकता है आपके फेवरेट कलर. यस, यू कैन स्टार्ट अ न्यू जर्नी. मैंने आपको यही कहा, यहाँ पे है जोकर, बट एक्चुअली दिस इज नॉट अ जोकर. एक्चुअली दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, रिस्क टेकर, बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक भी है, और पृथ्वी को ये जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं. अभी भी उस स्टेज पे नहीं है, ये फूल खिल रहा है, फूल अभी तक खिला नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे वो ऑन द वे है. ओके, 56 एलिक्सिर फ्रूट और एसेंस, कहीं ना कहीं पे इसका मतलब है कि आपके हाथों में कुछ ऐसी जादू होगा. हो सकता है कि आप लजीजदार खाना बनाते हैं, हो सकता है कि आप ऑनलाइन में वीडियोस पब्लिश करते हो, या कहीं ना कहीं पे आप केटरिंग इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, या कुछ ऐसे मेडिसिनल फार्म खोलना चाहते हैं, और आपकी जो बनाया हुआ चीज़ होगा, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो कोई एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, वो सबको एक अनोखा ही लगेगा कि इससे पहले किसी ने वैसा नहीं करके दिखाया. वाओ, डीप एंड 51. सो डीप एंड आई डू फाइंड कि जितना आप गहराई में जाओगे उतना समझ पाओगे, ठीक है. जितना आप ऊपर ऊपर तैरते रहोगे उतना आपको समझ में नहीं आएगा कि अंदर कितना तक डेप्थ है. ओके, द सोलर रिटर्न्स 24. दिस इज द डार्क होल स्ट्रेटेजी. दिस इज एक्चुअली दैट डार्क होल मिस्ट्री ऑल्सो, कि डार्क होल क्यों बन जाता है, ब्लैक होल क्यों बन जाता है. सो आई डू फाइंड कि कुछ ऐसे रहस्य ज़रूर होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स हो, जिसको समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा कि क्या है एक्चुअली, बेसिकली क्या है. कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है फिनोमिनल हो, कुछ घटनाएं हो जिसको आपको तो पहले पता नहीं था. इसलिए यहाँ पे है कि डीप एंड, जितना आप एंड तक जा रहे हैं, ठीक है, जितना आप समंदर के नीचे जा रहे हैं उतना आपको पता चल रहा है, और स्पेस में आप जितना ऊपर उठ रहे हैं ज़मीन से आपको और पता चल रहा है. रिगार्डिंग गैलेक्सीज, मे बी यू हैव इंटरेस्ट इन साइंस और समथिंग, दैट्स व्हाई इट हैज़ कम. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस. ओके, ओके, सो रियलिटी एंड सरियलिटी. आई टोल्ड यू कि हकीकत क्या है और हमारा हेलुसिनेशन क्या है, वो आपको डेफिनेटली पता चलेगा. ओके, भ्रम क्या है, फेयर कंपटीशन, यस, देयर कैन बी अ वेरी हेल्दी कंपटीशन, फेयर होगा, जजमेंट होगा उसमें, मतलब पॉलिटिक्स वहाँ पे नहीं होगा, पार्शियलिटी नहीं होगा, एटलीस्ट प्रॉपर्टी राइट्स. इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ लीगल इश्यूज में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब जो भी है, आपके फेवर में जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस है. मे भी आप कुछ फाइल कर रहे हो. इमेंस वेल्थ, बहुत ज़्यादा पैसा आने का भी चांसेस है, लेकिन खर्चा होने का भी चांसेस है. 100% क्लैरिटी ऑन पास्ट इश्यूज, पास्ट में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों आप ही के साथ हुआ, क्यों दूसरे के साथ नहीं हुआ, सब पता चलेगा. लॉट्स ऑफ परचेज, मैंने आपको यही कहा कि आप बहुत ज़्यादा खरीदारी कर सकते हैं, इसलिए आपका पैसा शॉर्ट पड़ सकता है, तो प्लीज़ सतर्क रहिएगा और सेफ रहिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर शॉर्ट पड़ जाए तो दूसरा जगह से मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग. डिविनिटी टैरो सिक्स, ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस.
थैंक यू गाइज एंड लव यू अलॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.